हेलो एंड वेलकम तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एक पोइम की जिसका टाइटल है कैथोलिक मदर और जिसको लिखा है यूनिस डिसोजा ने तो पोइम को पढ़ने से पहले एनालाइज करने से पहले हम पोइट की बायोग्राफी पे एक नज़र डालते हैं ये जो पोइम है इसको लिखा है यूनिस डिसा ने जो कि बॉर्न इन पुणे नाइनटीन में पैदा हुई थी पुणे में एंड शी वॉज बॉर्न इन अ कैथोलिक फैमिली जैसे कि आप देख सकते हैं शी वॉज अ पोइट नावलिस क्रिटिक एंड फेमिनिस्ट राइटर वो फेमिनिज्म आइडियालॉजी को बहुत ही सपोर्ट करती थी और औरतों के हित में लिखती थी ज़्यादातर वो हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट भी रह पे एट सेंट जेवर्स कॉलेज एंड शी डाइड इन टू थाउजेंड एंड सेवनटीन ये छोटी सी एक बायोग्राफी थी इस uh, राइटर की और हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम पोए को डायरेक्टली डिस्कस करते लाइन बाई लाइन तो ये जो पोएम है इसका जो टाइटल है कैथलिक मदर तो सीधी सी बात है कि ये पोएम एक कैथलिक मदर के लिए लिखी गई है उसके रिलेटेड ये पोएम है कैथलिक मदर तो चलते पढ़ते फादर एक्स डिसूज़ा फादर ऑफ द ईयर तो यहाँ पे हमें एक इंट्रोड्यूस कराते हैं फादर डिसूजा से जिसका नाम डिसूजा एक्स डिसूजा है फ़ादर ऑफ़ द ईयर इसे कहा गया है कि फ़ादर ऑफ़ द ईयर ये जो डिसूजा है फादर ऑफ़ द ईयर है तो फादर ऑफ़ द ईयर होता है कि इसने क्या ऐसा काम किया है कि इसको ये फादर ऑफ़ द ईयर टाइटल मिला है जैसे हमारे पास होते हैं सॉन्ग ऑफ़ द ईयर क्योंकि उस सॉन्ग्स में कुछ स्पेशलिटी होती है कुछ ख़ास होता है जो उसको सॉन्ग ऑफ़ द ईयर बनाता है लेडी ऑफ़ द ईयर तो वैसे ये फादर ऑफ़ द ईयर इसने क्या काम किया है कि ये डिसूजा फादर ऑफ़ द ईयर बन गया है हेयर He is top left, the one smiling. तो ये इसकी तरफ इशारा करते हुए फ़ादर डिसूजा की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वो वहाँ पे लेफ़्ट में जो बैठा है ना और जो हस रहा है ये फादर डिसूजा है और हमें एक इमेज यहाँ पे बनती है कि हमें एक आदमी फादर डिसोजा की शक्ल आती है अगर हंस रहा होता है मतलब वो अपनी लाइफ से खुश है मुतमिन है ओके बाई द ग्रेस ऑफ गॉड ही सेज वी हैव हैड सेवन चिल्ड्रेन इन सेवन ईयर्स वो कह रहा है बाई द ग्रेस ऑफ गॉड खुदा की अज़मत की वजह से गॉड का ये हम पे एक मेहरबानी है उसकी वजह से उसके बदौलत खुदा के बदौलत हमको हुए हैं सात बच्चे सात सालों में मतलब इसने सात सालों में कन्सिकटिव ईयर्स में सात बच्चों को जन्म दिया है है ना ये फ़ादर बन चुका है सात बच्चों का और ये पूरा का पूरा क्रेडिट देता है अल्लाह को खुदा को गॉड को कह रहा है बाई द ग्रेस ऑफ गॉड ही सेज़ वो कह रहा है वी हैड सेवन चिल्ड्रन इन सेवन ईयर्स तो सात बच्चे इनके हैं सात सालों में तो ये इसके लिए खुश और ये बड़े फ़खिर से ये कह रहा है कि हमको हम मैं सात बच्चों का बाप हूँ और वो भी सात सालों में और ये इसको बड़ा ही सेटिसफाइंग स्टेटमेंट लग रहा है बड़े प्राउड अंदाज में कह रहा है ये बात वी आर वन बिग हैप्पी फैमिली गॉड ऑलवेज प्रोवाइड्स इंडिया विल सफ़र फॉर हर विक्ट वेज दिज सिंधु बगर्स गाट नो एथिक्स वी आर वन बिग हैप्पी फैमिली अब हम इन सात बच्चों के साथ एक हमारी एक हैप्पी फैमिली बनी है अच्छी फैमिली खुशहाल फैमिली बनी है खुशहाल ज़िंदगी हम जी रहे और ख़ुदा हमको हमेशा प्रोवाइड कर रहा है अपनी अजमतों से जो उसने न्यामतें बनाई है जो उसने रिसोर्स बनाए वो हमें हमेशा साथ देता है इंडिया विल सफ़र फॉर विक्ट वेज दीज हिंदू बगर्स काट नो एथिक्स और ये फिर इंडिया की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि इंडिया जो है ये सफ़र करेगा हिंदुस्तान सफ़र करेगा क्योंकि अपनी विक्ट पॉलिसीज़ की वजह से क्योंकि इसी दौरान इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी थी फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी ताकि पापुलेशन को चेक कर सके अंडर कंट्रोल रख सके पॉपुलेशन को और ये इंडियन पॉलिस को पॉलिसी को यहाँ पर कोस रहा है क्योंकि जो फैमिली प्लानिंग कि पॉलिसी यहाँ पे इंडिया ने इंट्रोड्यूस करी थी कि पॉपुलेशन को अंडर अंडर कंट्रोल रखा जाए तो ये इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है ये कह रहा है कि इन हिंदुओं के पास मतलब हिंदू बगर्स के पास कोई एथिक्स नहीं है ये नेचर के ख़िलाफ़ जा रहे ऐसी पॉलिसीज़ को ला के तो ये फैमिली प्लानिंग पॉलिसी बिल्कुल ही बकवास है तो इसका कुछ ऐसा मानना है डिसोसा का उसके बाद चलते हैं पिलर ऑफ द चर्च सेज द पेरिस प्रिस्ट पेरिस प्रीस्ट क्या होता है जो चर्च का हेड होता है वो कह रहा है इस डिस को यू आर पिलर ऑफ द चर्च आप हमारे चर्च के एक पिलर हो मतलब बहुत ही इम्पॉटेंट जगह आपने बनाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हो आप आपने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है रिलीजन की तरफ से रिलिजन को लवली कैथोलिक फैमिली से इस मदर सुपीरियर और जो नन होती है मदर सुपीरियर होते हैं नन से ऊपर होते हैं मदर मदर सुपीरियर तो वो कह रही है कि आप एक लवली कैथोलिक फैमिली हो ये पूरा का पूरा मतलब ये जो रिलिजन रिलीजस प्लेचेज होते ये इनको एक तरह से मुबारकबाद ही देते एक तरफ से अप्रिशिएट करते कि आपने इतना कंट्रीब्यूट किया क्रिस्चैनिटी की तरफ ठीक ये इनको बोल रहे पिलर ऑफ द चर्च और कह रहे कि लवली कैथलिक फैमिली मतलब ये अप्रिशिएट कर रहे ऐसे कामों को ये सारे के सारे इस फ़ादर डिसोजा को अप्रिशिएट करते लेकिन द पिलर्स वाइफ सेज नथिंग पिलर्स वाइफ पिलर कहा गया था अभी यहाँ पे फादर डिसोजा को यहाँ पे कह रहा है कि द पिलर्स वाइफ मतलब फादर डिसोजा की जो वाइफ है सेज नथिंग वो खामोश बैठी है क्योंकि फादर डिसोजा प्राउड फील करते लेकिन किसी ने इस अवत से नहीं पूछा आपने आप कैसा फ़ील कर रहे हो ठीक है क्योंकि जो है प्रेगनेंसी का स्टेज होता है बहुत ही मुश्किल होता है बहुत ही टफ स्टेज होता है और बहुत ही मुश्किल होता है स्टेज और ये फादर डिसोजा ने सात बच्चे मतलब उन्होंने सात बच्चों को जन्म दिया इसकी जो वाइफ है सात बच्चों को उसने जन्म दिया है तो अप्रिशिएट तो कर रहे हैं लेकिन किसी ने इस वाइफ से नहीं पूछा कि आप क्या चाहते हो आपको कैसा लगा सात बच्चों को जन्म देके मतलब बहुत ही मुश्किल भी हुआ होगा तो यहाँ पे सीधी सी बातें दिखा रही है जो डिसोज है वो सीधी राइटर जो है और पॉइट जो है वो सीधे दिखा रहा है कि वोमेंस की कोई कदर नहीं थी वमेन्स के बारे में कोई समझता नहीं था उनसे कोई पूछता भी नहीं था कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है पूरा का पूरा ये वुमेन के अगेंस्ट पूरी पोइम एक वाइफ की बेबसी दिखा रही है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे